आज हम आर्मेचर रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन उसको बोलेंगे कि जिसमें जो मेन फ्लक्स होगा, मेन फील्ड फ्लक्स, वो आर्मेचर फ्लक्स के वजह से वहाँ पे डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगा। मीन्स इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स टू द मेन फ्लक्स इज नोन एज अ आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन सिंपल डायग्राम हमने ड्रॉ की है। सबसे पहले डायग्राम के अंदर कोई भी लोड नहीं है, करंट अभी लोड नहीं है, तो ये नो लोड कंडीशन के ऊपर है। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ फ्लो होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जी एन ए भी है और एम एन ए भी है। जी एन ए मीन्स ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस और एम एन ए मीन्स मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस। जी एन ए जो है वो यहाँ से बाइसेक्ट करेगा, मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ पे उसको डिवाइड करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये जो आर्मेचर है उसको यहाँ से डिवाइड करेगा, उसको बाइसेक करेगा, और ये कॉमन रहेगा, मीन्स ये बाइसेक करेगा, हमेशा ये फिक्स रहेगा, जी एन ए चेंज नहीं होगा। और मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस जो है, ये जो फील्ड लाइन्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो जब कोई लोड नहीं होगा तो जी एन ए और एम एन ए कोइंसाइड होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वो जी एन ए और एम एन ए दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ फ्लो होगा, इसको हमने वेक्टर डायग्राम से भी ड्रॉ किया है, और एम एन ए ज़ीरो होगा। एम एन आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे ई एम एफ इंड्यूस नहीं होगा, जहाँ पे ई एम एफ ज़ीरो होगा, उसको हम कहेंगे एम एन ए। उसके बाद में सेकेंड डायग्राम है जिसमें हमने लोड दिया हुआ है तो करंट फ्लो होगा। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगा कंडक्टर के अंदर से, तो यहाँ पे हमने डिनोट किया है, क्रॉस से यहाँ पे डिनोट किया है, और ये डॉटेड लाइन से हमने डिनोट किया है। तो करंट जो फ्लो होगा वो यहाँ पे एज अ कॉक स्क्रू रूल हमको मालूम है कि करंट जब फ्लो होगा तो वहाँ पे भी फील्ड प्रोड्यूस होगी, मीन्स फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी कॉक स्क्रू रूल, जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो फ्लक्स भी ऐसा रोटेट करेगा, यहाँ पे रोटेट मीन्स इस तरफ रोटेट करेगा। और यहाँ पे करंट आउटवर्ड है तो कॉक स्क्रू रूल्स के हिसाब से करंट जो होगा वो ऐसे रोटेट होगा, मीन्स फ्लक्स जो रोटेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो इससे क्या होगा कि जो मेन फील्ड फ्लक्स है और आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल के नीचे की तरफ जो फ्लक्स है वो कट हो जाएगा, मीन्स रिड्यूस हो कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एरो है और यहाँ पे जो एरो है, यहाँ पे फ्लक्स ऐड होगा और यहाँ पे फ्लक्स जो है वो अपोज करेगा, तो यहाँ पे फ्लक्स कम हो जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, यहाँ पे फ्लक्स कम हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी और फ्लक्स एडिटिव हो जाएगा। तो फ्लक्स जब एडिटिव होगा तो फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी वो ज़्यादातर यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे जाएगी, मीन्स डिस्टॉर्शन पैदा होगा फ्लक्स के अंदर, जिसकी वजह से ई एम एफ के अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो ऐसे रोटेट होगा। तो जी एन ए तो सबके लिए सेम रहेगा, तो एम एन ए जो है, ये जो फ्लक्स है उसके परपेंडिकुलर हम उसको ड्रॉ करेंगे, मीन्स ऐसे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो एम एन ए इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो ब्रशेस है, तो डीसी मशीन के अंदर ब्रशेस जो हम बनाते हैं तो उसको एम एन ए की तरफ रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पार्क ना हो, इसलिए हम एम एन ए की तरफ ब्रशेस रखेंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट डायग्राम होगा, ये मेन फील्ड फ्लक्स है और ये आर्मेचर फ्लक्स है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स फायर होगा और एम एन ए जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो आर्मेचर रिएक्शन किसको कहेंगे कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स टू द मेन फ्लक्स इज नोन एज अ आर्मेचर रिएक्शन। मीन्स
मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर वो कुछ इफेक्ट करेगा, आर्मेचर फ्लक्स उसको डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा, उसको कहेंगे आर्मेचर रिएक्शन।